नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बना था तड़का, मतलब तड़का बना था और आलू और पनीर की मैंने सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो तड़का में ना मैं अंडा वाला तड़का बना था, एग तड़का, और ये वाला तड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने रेसिपी वगैरह सूट नहीं किया था, पता नहीं, मतलब कि, और बहुत टेस्टी बना था क्योंकि बहुत दिनों बाद और हम लोग बना के ऐसे तड़का खाते हैं कभी कभी। तो आप लोग भी, मतलब अगर जो नॉन वेज सब खाते हैं ना, वो लोग को अच्छा लगता होगा मैंने ये डाल के। और देखिए, मेरा फ़ोन अभी भी मतलब गर्म हो जाता है तो बंद हो जाता है, ऐसे तो बंद हो जाता है ना तो एकदम मतलब वीडियो अच्छा नहीं आता है और फिर वीडियो भी हट जाता है इसीलिए। और नाश्ता में हम लोग ये किए थे, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद बहुत देर बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों को दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा धूप है, मतलब बारिश वारिश हो नहीं रही है, और हो भी रही है तो एकदम मतलब 2-4 मिनट 10 मिनट की बारिश से ना एकदम गर्मी सी हो जाती है। मतलब बहुत जोरों जोरों से बारिश होना तो ठीक है, नहीं तो हल्का फुल्का होता है ना तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और मैं ना बता रही थी आप लोगों को, छुपा नहीं रही थी, तो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी आप लोगों से दोस्तों। और अभी ना मतलब खाना पीना सब सारा कुछ हो गया। खाने पीने में मैं सिंपल सा दाल चावल ही बनाई थी क्योंकि ये तड़का वाला था, अंडा वाला तड़का था, और क्या बोलते हैं, सब्जी भी बचा हुआ था और रोटी वगैरह, सिर्फ चावल मैंने बनाया था क्योंकि दाल मतलब दाल तड़का से ही खा लिया था उसी से। और यहाँ पे मतलब हल्का फुल्का भी बारिश हुआ है तो थोड़ा हरियाली जैसा तो हो गया है और सुंदर भी लग रहा है, हरा भरा। लेकिन हाँ, बारिश हो नहीं होता ना तो उमस जैसी गर्मी हो जाती है, गर्मी भी होती है ना तो उमस वाली गर्मी एकदम बेकार वाली हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी लगने लगता है। और मैं कपड़े उठा रही थी और अब कपड़े उठा के जा रही हूँ अंदर, तो यहाँ से जा रही हूँ मतलब अंदर जा रही हूँ क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं ना सब मैं उठा लेती हूँ, और पता नहीं बारिश वरिश आ जाएगा तो अच्छा ही है क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, देखते हैं बारिश आती। दोस्तों, आखिर मैं क्यों आपसे ये मतलब बात छुपा रही थी, क्योंकि हालात नहीं थे उस टाइम बोलने के लिए और सही वक्त का मैं इंतज़ार कर रही थी। और सही वक्त है, कभी कभी होता है कि मैं क्यों नहीं गई शादी में, तो नहीं गई दोस्तों, बहुत से कारण थे, तो हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं बता सकती। और मैं बना रही हूँ आज सत्तू वाली फिर से कचौड़ी क्योंकि बच्चों लोग का डिमांड है सत्तू वाली कचौड़ी का, और मेरे बच्चे लोग मतलब एक बार दो बार खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है, तो फिर से बोलते हैं तो फिर से मैं बनाती हूँ। तो वही मैं थोड़ा सा ही सत्तू था तो मैंने सोचा चलो बच्चे लोग के लिए अभी बना देते हैं, मतलब 2-4 भी, और सॉस के साथ भी वो लोग खा लेते हैं। ये देखिए मैंने मतलब कि उसमें थोड़ा थोड़ा फिलिंग भर के और खास्ता टाइप का उसमें आटा में भी मोयम थोड़ा सा डाल के सानी थी, तो बहुत टेस्टी बनता है वैसे। और इसके साथ थोड़ा मोड़ा मैंने सब्जी बनाया था, बच्चे लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं लेकिन हम लोग चटनी सब्जी कुछ बनाते ही बनाते हैं उनके अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं छानने जा रही हूँ अच्छे से, और छान के और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा फूला फूला मेरा कचौड़ी बनता है। सत्तू में मैंने सब कुछ डाला है, जैसे अजवाइन, मंगरेला, नमक, नींबू, और फिर क्या कहते हैं थोड़ा सा अदरक कूट के डाला है, लहसुन डाला है, मतलब सब कुछ थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा मैं डाली हूँ। और मतलब देखिए थोड़ा बनाइए या ज़्यादा बनाइए, थोड़ा सा टेस्टी बनना चाहिए, बस टेस्टी बनता है। और ये सब मिलेगा सारा मसाला वगैरह, और हरी मिर्च वगैरह मैं उतना नहीं डाली हूँ, एक या दो डाली हुई क्योंकि बच्चे लोग खाना ना तो दांत के पास हरी मिर्च आता है ना तो उन लोग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी फूली फूली मेरी कचौड़ी बन रही है और पूरा एकदम टेस्टी टेस्टी भी बन रहा है, ये देखिए कितना अच्छा है। और बस खाने पीने का, देखिए दोस्तों सब कमाते भी हैं खाने के लिए, तो खाने पीने का मतलब होता है कि हाँ थोड़ा अच्छा होना चाहिए खाना पीना, नहीं तो फिर ना होता है मन, ये होता है कि खाना पीना अच्छा ना मिले
एडजस्ट करके रहना पड़े तो फिर ठीक नहीं है। और इसके साथ मैं बनाई हूँ, खीर भी बनाई थी। बच्चे लोगों को तो सादा पूड़ी के साथ खीर अच्छा लगता है, लेकिन मैंने खीर भी बनाया था, ये देखिए। और खीर है और सत्तू वाली कचौड़ी है, और मतलब कि देखते हैं, खीर अभी बन ही रहा था और एकदम गाढ़ा हो जाता है ना, तभी मैं गैस बंद करती हूँ। तो ये देखिए मेरी खीर, और भी मैंने कुछ बनाया था सब्जी वगैरह, तो हल्का फुल्का सा बना दिया था ज़्यादा। यहाँ पे ये देखिए खीर मेरी बन चुकी है, और उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, खीर तो बन ही चुकी है ये देखिए। और उसके बाद मैंने बनाया था आलू और परवल की सूखी सब्जी बना दिया था। अभी ना दोस्तों सब्जी वगैरह मतलब कि उतना कुछ मिलता नहीं, और मिल भी रहा है ना तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, और सारी सब्जी बच्चों लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, तो बहुत सोच के बनाना पड़ता है आजकल सब्जी। तो बच्चे लोग तो सत्तू वाली कचौड़ी ऐसे ही खा लेते हैं, सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पर हम लोग को मतलब थोड़ा सा लगता है। और ये देखिए मेरी सत्तू वाली कचौड़ी है और खीर है, ये देखिए खीर, सत्तू वाली कचौड़ी और आम। तो आम का मौसम है तो थाली में आम तो ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को, आम तो मिलता ही मिलता है आजकल। और बस ये देखिए एकदम आज का नाश्ता ना सिंपल भी है और टेस्टी भी है और बहुत अच्छा है। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए, और आज की थाली लग गई है। तो आज की थाली में दोस्तों आलू परवल की सूखी सब्जी है, खीर है और कचौड़ी है, और ये क्या बोलते हैं आम है, तो आम भी आ गया है, है। और आम भी सबको पसंद आता है, तो इसलिए आम भी, ज़्यादातर लोगों को आम पसंद आता है, और अभी आम मिलता है, अभी मज़े से खा लेते हैं, फिर बाद में तो आम उतना मिलता नहीं है, इसलिए अभी खा लीजिए। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और कैसी लगी थाली, सिंपल सी है और बस रोज की तरह सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है, बस खास में खीर है, तो कुछ खास नहीं है, बस खीर खाने का मन करता है ना तो हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैं करने लगी अपनी किचन की सफ़ाई, तो किचन की सफ़ाई कर रही थी, और एकदम अभी धूप थोड़ा सा कम हो गया था, देखिए बाहर खिड़की से दिख रहा होगा, और पूरा मतलब किचन जब तक साफ़ सुथरा नहीं होता है, बर्तन तो मैं सब धो लेती हूँ, पोछा ओछा लगा लेती हूँ, तभी मुझे चैन मिलता है, और तब जाके मैं फिर बैठती हूँ, आराम करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा देर मुझे टाइम मिलता है, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो बस ये देखिए मेरा फटाफट से मैंने सारा मतलब पहले एक दो बार पोछ लिया था, फिर ये मतलब दूसरा तीसरा राउंड है, पूरा रगड़ रगड़ के मैं टाइल्स पोछ देती हूँ, कि मतलब अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है, और रखना भी चाहिए साफ़ सुथरा। ये देखिए मेरे मतलब एक जैसा भी दाग वाग नहीं लगा रहता है मेरे किचन का टाइल्स पे, चाहे गैस के पास कुछ भी, एकदम पे जो भी बर्तन वगैरह है ना सब हटा हटा के मैं मतलब ये सब डब्बे वब्बे है ना वो सब भी हटा के पोछ देती हूँ। वहाँ थोड़े मोड़े धूल या फिर डब्बे के तेल वेल के डब्बे रहते हैं तो चिपचिपे से हो जाते हैं इसीलिए। और यहाँ देखिए फिर से बारिश मतलब होने लगा, और मतलब ज़्यादा तो वायरल हो रही है एकदम, मतलब ज़्यादा जोर से भी नहीं हो रहा और हल्का हल्का ही हो रहा है। आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों, और अब एकदम गर्मी हल्की कम हो गई है बारिश के चलते, अच्छा लग रहा है। छतरी ना खोल बरसात में, देखिए दोस्तों बारिश शुरू हो गई है इधर आज, मतलब सुबह से ही, सुबह में नहीं पड़ रहा था लेकिन अभी मतलब आधा एक घंटा से पड़ रहा है, एक घंटा से दो घंटा से पड़ रहा है, आधा घंटा से नहीं सॉरी। और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, अच्छा लग रहा है बारिश हो रहा तो ठंडा ठंडा, और बारिश गर्मी से बहुत राहत हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया था। देखिए दोस्तों बारिश शुरू हो गई है, और बारिश ना मतलब सुबह में हल्का हल्का पड़ रहा था, कल भी हल्का ही हल्का पड़ रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा से पड़ रहा है। और ये देखिए पानी जो पड़ रहा है ना, मतलब ये बारिश ना बरसात टाइप का है, छुटने जैसा बिल्कुल नहीं है, और गर्मी से मेरा तो पूरा ये सब में घमौरी ये सब में हो गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत राहत हो जाएगा गर्मी से,
तो मैं यहाँ ही पे खड़ा होकर बारिश का मज़ा ले रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बारिश, और बारिश में मतलब भीगना भी पसंद है और देखना भी पसंद है। तो मैं अभी फ़िलहाल देख रही हूँ, क्योंकि मतलब बारिश में है ना, ये सब भीगना पानी में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैं यहीं पे हूँ और बारिश को देख रही हूँ, मज़ा ले रही हूँ। ये सब मौका तो बार बार मिलता नहीं बारिश का, और यही बारिश ना कुछ दिन तक पड़ने लगता है ना, तो हम लोग खुद ही मतलब ये हो जाता है कि अरे अब कैसे बारिश मतलब छूट नहीं रहा, कपड़े कैसे सूखेंगे, कैसे क्या होगा, पूरा घर में अभी भी आज भी कपड़े सूखे नहीं, पूरे घर में कपड़े ही हैं, गीला गीला सारा कपड़ा रखा हुआ है। नहीं नहीं क्या कर सकते, बारिश तो ज़रूरी है। ये देखें पूरे घर में जहाँ कहाँ कपड़े हैं, सारे कपड़े पड़े हुए हैं घर में, क्योंकि बारिश हो रहा ना तो बाहर तो डाल। तो बस चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और पसंद आया तो एक लाइक कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और आप भी बारिश का मज़ा लीजिए, आपके तरफ हो रहा है तो। मैं तो बस थोड़ी देर ही पड़ा था, फिर उसके बाद छूट गया था, तो फिर गर्मी ही लग रही थी, लाइट भी चला जाता है यहाँ बारिश।